Hello friends, welcome back to Universal Career Point. Today I am going to teach you chapter number 1, Nutrition in Plant, part 3rd of class 7th. ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, तो इसे आप ध्यान से देखना और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉफ्स के बारे में और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। होते क्या है ये मृत जीवी, मतलब जो मृत होते हैं, मतलब डेड होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसकी एक डेफिनेशन बोलता हूं मैं छोटी सी, आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। वे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डेड मटेरियल से एब्जॉर्ब करते हैं। आप इसको लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, इसकी डेफिनेशन यही है, आप समझ गए होंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मशरूम की, तो हम इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा धीरे धीरे। ध्यान से समझना, आराम से समझना। ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसका मतलब है ये ग्रो, मशरूम कब ग्रो होते हैं, रेनी सीजन में ये ग्रो होते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में ये ग्रो होते हैं। और रोटिंग वुड और सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में, रोटिंग वुड मतलब सड़ी गली लकड़ियों में और जो सड़ी गली मिट्टी होती है उसमें ये ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा बाजार में एक छतरी की तरह मिलते हैं हमें, उसे हम मशरूम कहते हैं और इनकी सब्जी बना के भी खाते हैं। और दूसरा है फंगल, इसके बारे में भी हम जानते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। दे एब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, मतलब ये कहां से ऑब्जर्व करते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स, ब्रेड से। ब्रेड क्या, एक डेड सब्सटेंस है, ब्रेड एक डेड सब्सटेंस है, क्या है, डेड, ब्रेड एक डेड सब्सटेंस है जिससे ये अपना न्यूट्रिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, कौन, फंगल। आपने देखा होगा ब्रेड हम जैसे कहीं टिफिन में बंद करके रख देते हैं या पन्नी में वो बंद रहता है, तो उसपे हिंदी में कहते हैं फफूंदी सी आ जाती है, हरा हरा सा एक पिगमेंट सा आ जाता है जो फफूंदी कहलाती है और फंगाई कहलाती है ना, ये होती है फंगाई जो कि डेड होती है। और ये कहां से अपना न्यूट्रिशन लेती है, ब्रेड से, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और फंगाई आती किस किस चीज पे है ये भी आपको ध्यान रखना है, कहां कहां ग्रो करती है ये। इट ग्रोज ऑन लेदर, पिकल एंड क्लोथ्स एटसेट्रा, ये ग्रो करती है लेदर पे, पिकल पे और क्लोथ्स पे। फंगाई याद करो, मेरे साथ साथ फंगाई कहां कहां ग्रो कर सकती है, कहां कहां पर आ सकती है फंगाई, लेदर पे, पिकल पे और क्लोथ्स पे। आई होप कि ये वाली भी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस आप क्या समझ सकते हैं सिम्बायोसिस, चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, आपको इसका मतलब समझ में आया, मैं आपको समझाता हूं। सम ऑर्गेनिज्म लिव्स टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, इसका मतलब है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं और अपना शेल्टर मतलब घर और अपना न्यूट्रिएंट्स आपस में शेयर करते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स मैंने, ऐसे ऑर्गेनिजम्स नीचे लिख रखे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहली बात करते हैं हम, एग्जाम्पल है फंगस और प्लांट्स की। ये हमारे दो ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोसिस है, क्या है ये, सिम्बायोसिस। ये दो लाइन मैंने इसलिए खींची है क्योंकि ये दोनों एक साथ रहते हैं। तो फंगस और प्लांट, इनमें क्या होता है, फंगस जो प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, फंगस प्लांट को क्या क्या प्रोवाइड करता है, वाटर एंड सर्टेन
न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फंगस प्लांट को प्रोवाइड करता है, और प्लांट क्या प्रोवाइड करता है फंगस को? न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स फंगस को न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट है इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और फंगस वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को। आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल किस चीज का था? फंगस और प्लांट्स का। अब दूसरी बात करते हैं हम फंगस और एल्गा। एल्गा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। एक ग्रीन कलर की पिच मतलब चादर, एक ग्रीन कलर की चादर जो पानी के ऊपर रहती है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उससे वो हरी भी होती है, उसे क्या कहते हैं हम? एल्गा। एल्गा मतलब शैवाल, जो पानी के ऊपर ग्रीन कलर की चादर पाई जाती है। अब हम इनकी रिलेशनशिप की बात करते हैं। एक तरीके से रिलेशनशिप मतलब टुगेदर, साथ में रहना, ये क्या क्या आपस में शेयर करते हैं, जो इनकी दोस्ती बनी रहती है आपस में। एक तरीके से सिंबायोसिस का मतलब हम समझ सकते हैं दोस्ताना। ठीक है, देखो फंगस और एल्गा, फंगस क्या प्रोवाइड करती है एल्गा को? शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है किसको? एल्गा को। याद करो मेरे साथ साथ, फंगस एल्गा को क्या क्या प्रोवाइड करती है? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। और एल्गा क्या प्रोवाइड करता है? छोटी सी चीज, फूड प्रोवाइड करता है। आपस में ऐसा होता है ना, एक डायलॉग भी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसी तरीके से फंगस कहता है एल्गा से, आप मुझे फूड दो और मैं तुम्हें शेल्टर, वाटर एंड मिनरल भी दूंगा। आपको यह भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ये आपकी जनरल नॉलेज में भी आएगा, जीएस में भी आएगा, एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको रीड करते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो रिप्लेस सॉइल में रिप्लेस होते हैं वो कैसे होते हैं। एक न्यूट्रिएंट होता है हमारा नाइट्रोजन, ये गैसियस फॉर्म में होती है, प्लांट्स को इनकी भी जरूरत होती है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन तो जो होता है ना वो राइजोबियम प्लांट को देता है। कैसे? जो राइजोबियम होता है प्लांट में रहता है, प्लांट की जड़ों में रहता है, सॉइल में रहता है राइजोबियम। मैं इसको आपको समझा भी चुका हूं, ये सॉइल में रहता है और ये क्या करता है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को प्लांट को देता है कैसे? सॉल्यूबल फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में यह अपने आप से ऑब्जर्व करता है और इसे सॉल्यूबल फॉर्म में प्लांट को दे देता है। आप समझ गए होंगे प्लांट और राइजोबियम की भी रिलेशनशिप। राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन गैस को सॉल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और प्लांट इससे अपना न्यूट्रिएशन लेता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्ड समझ में ना आया हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर स्टूडेंट्स, कलीग्स, एवरीबॉडी, ओके, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन कि यह वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।